दोस्त, मैं विशाल कुमार, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज बात करने वाले हैं कि साइबर कैप का काम कैसे करें और साइबर कैप का काम लोग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग को जो साइबर कैप खोलना होगा या काम सीखना होगा, तो वो लोग तरह तरह के दिमाग में सोचते हैं कि साइबर कैप का काम कैसे खोलेंगे, उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे काम करेंगे, पूरा अनोन रहते हैं। तो वो सभी के लिए वीडियो है। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो है से विस्तार रूप से बताएंगे कि साइबर कैप खोलने के लिए क्या क्या चीज़ लगता है और साइबर कैप का काम करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ का जरूरी होना है, क्या चीज़ का जरूरी नहीं होना है। तो आप लोग वीडियो में बनल रहे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि साइबर कैप का काम करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ का जरूरी। तो दोस्त बता दूँ, ये मेरा दुकान है, मेरा खुद का साइबर कैप है, आप देख रहे हैं मेरा खुद का जो साइबर कैप है और हम इसी पर काम करते हैं। मेरा अपना दुकान है, देख रहे हैं, और सामान सब इसमें बहुत कम है क्योंकि ज़्यादा हम ऑनलाइन का काम करते हैं। तो देख रहे हैं मेरे पास दो दो सिस्टम है और मैं आपको बताता हूँ कि साइबर कैप काम करने के लिए या सीखने के लिए हमको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सब लगता है। तो सबसे पहले आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। आपको जो कंपनी का प्रिंटर लेने का मन करे वो कंपनी का ले सकते हैं। उसके बाद एक कंप्यूटर होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए, QR कोड होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए। देख रहे हैं मेरे पास दो दो सिस्टम है, कभी कभी काम जो है इससे ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको एक लेमिनेशन मशीन पन्नी चढ़ाने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद एक हॉट गन भी रखना चाहिए, कभी कभी इसका काम पड़ता है। उसके देखिए मेरे पास जो है इसे इप्सन का है, 3150 है, लेटेस्ट मॉडल है, इससे A to Z काम होता है। आप जो है इसे कलर प्रिंट, जीरोक्स, फोटो स्कैनिंग, एक ही प्रिंटर से आप सारा चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको खोल कर भी दिखाता हूँ किस टाइप से जो है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है। इससे आप जो है से ग्राहक का सारा काम कर सकते हैं, बस एक ही प्रिंटर से ऑल इन वन है जो सारा काम होता है। और अब इधर देख रहे हैं मेरे पास एक सिस्टम है जिस पर आप देख रहे हो कि एक कस्टमर का हम पेन कार्ड निकलने वाले हैं। उसके बाद आपको एक हो गया कीबोर्ड, दो कीबोर्ड लगाए हुए हैं, कभी कभी काम पड़ता है। कीबोर्ड अच्छा रखिएगा, एक CPU अच्छा ले लीजिएगा, उसके बाद मंत्रा ले लीजिएगा पैसा कहाँ के निकालने के लिए। माउस तो जनवे करते हैं। इधर नॉमिनेशन पन्नी चढ़ाने वाला हो गया, क्योंकि इसको जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। आधार कार्ड जब भी निकालिएगा या डॉक्यूमेंट पर पन्नी चढ़ाना होगा। और एक एक्स्ट्रा सिस्टम ज़रूर रखिएगा ताकि जब भी काम बढ़ जाए तो उस पर काम कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्त, उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से, देखिए प्रिंट हो रहा है। और यही मेरा जो साइबर कैफ है, बस इतना ही चीज़ लगता है। ऊपर से आपको जो है से अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सब आईडी आपको जो है से ऑनलाइन प्रोवाइड मिल जाएगा। CSC एक आईडी लेना पड़ेगा काम करने के लिए। बस इतना ही सब चीज़ लगता है साइबर कैफ दुकान खोलने के लिए। और आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, महीना का 30,000-40,000 आप कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है, एक आप अच्छा चेयर भी ले सकते हैं। और QR कोड आपको जो है से बहुत सारा मिल जाएगा। और देख रहे हैं मेरा दो दो सिस्टम है और इसी पर हम काम करते हैं। दुकान भी बनाए हुए हैं इसमें, लेकिन सामान सब नहीं रखते हैं। दो लेमिनेशन मशीन है, कभी कभी ज़्यादा भीड़ लगता है तो दोनों मशीन चालू करना पड़ता है। दोस्त, इस तरह से जो है साइबर कैप का काम जो है खोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि साइबर कैप चलाने के लिए एक सिस्टम फुल सेट लेना पड़ता है, कंप्यूटर, CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, मंत्रा डिवाइस, बस इतना ही चीज़। और आप जो है इसे सेंचुरी पेपर निकाल सकते हैं, जैसे अभी हम निकल रहे कस्टमर का निकल रहे हैं। दोस्त, इस प्रिंटर से A to Z काम होता है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो मैं जो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा कि साइबर कैप का काम कैसे सीखा जाता है, कैसे खोला जाता है और क्या क्या लगता है। अगर दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ऐसा और वीडियो देखने के लिए।